हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेलकम लाइफ। तो आपका फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाद में घंटी जरूर दबा देना, जिससे आपको जो है ड्राइविंग से जुड़ी हुई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और जो भी न्यू अपडेट आते हैं ड्राइविंग के बारे में, लाइसेंस के बारे में, न्यू गाड़ी जो भी आती है उसके बारे में हम आपको बता सकें। तो देखिए, अब जो हरियाणा और पंजाब नहीं चंडीगढ़ तो चंडीगढ़ के अंदर नया जो नियम जो सरकार ने लागू किया है, वो नियम यह है कि अब आपकी गाड़ी के पीछे या आगे कोई से भी शीशे, कोई से भी मिरर के पीछे अगर आप कुछ भी लिखते हैं, अगर आप किसी भी पोस्ट में हैं, मान लीजिए आपने आर्मी लिखवा रखा है, पुलिस लिखवा रखा है, या फिर कोई भी आप नाम लिखवाते हो आगे की साइड या पीछे की साइड, तो उसका चालान किया जाएगा। जी हाँ, उसका चालान किया जाएगा। ये सभी प्राइवेट गाड़ी पर नहीं, ये आप जो सरकारी कर्मचारी है या सरकारी गाड़ी है उस पर भी जो है सरकार ने ये सख्त कार्रवाई की है कि कोई भी ऐसा कुछ भी लिखवाता है तो उसको जो है चालान काट के दिया जाएगा। ये 100% सो है। तो देखिए, ये न्यूज़ कितना सही है और कितना ये सरकार ने सही किया है या गलत किया है, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक साइड रखते हैं और एक बात अब हम करते हैं कि इसके फायदे और नुकसान। देखिए, जो भी पब्लिक है, मान लीजिए एक मीडियम पब्लिक है, एक गाड़ी जाती है किसी हमारे जैसे व्यक्ति की, छोटे मान लीजिए एक मिडिल क्लास व्यक्ति की गाड़ी जाती है और एक जाती है एमएलए या सीएम की गाड़ी जाती है। अगर हमारी गाड़ी पे कुछ लिखा हुआ है तो उस गाड़ी को तो वो रोक लेंगे, ठीक है, चंडीगढ़ हो या फिर कहीं पर भी हो, ये तो सबको पता है, हमारी गाड़ी को तो रोक लेंगे। लेकिन उसकी गाड़ी जब आएगी तो उसकी गाड़ी को कोई रोकने वाला नहीं है। जो भी नेता आता है, अगर उसकी गाड़ी के पीछे कुछ भी लिखा हो या फिर कोई ऐसा रिलेशन हो कि उसका कोई फादर हो या फिर फैमिली में से कोई पुलिस वाला हो या फिर कोई अच्छी पोस्ट पे हो सरकारी, अगर उसकी गाड़ी पे कुछ लिखा हुआ है तो उसको चालान काटने वाले भी कुछ नहीं कहेंगे। देखिए, मैं इस बात को, इस टॉपिक को ये कहना चाहता हूँ कि अगर नियम करना ही है तो सभी के लिए किया जाए, ये ऐसा नहीं कि हमारे लिए अलग और किसी और के लिए अलग, चाहे वो चंडीगढ़ में हो या हरियाणा में हो। ये नियम जो है फिलहाल चंडीगढ़ से, और चंडीगढ़ और हरियाणा दोनों हाईकोर्ट ने ये नियम पास किया है कि अगर ऐसा कोई कुछ लिखवाता है तो उसको चालान काट दिया जाएगा। चलो मान लिया उनकी बात की, चालान काट दीजिए, ये उनको लीगल लगता है, अच्छा नहीं लगता है, कुछ साइड इफेक्ट लगता है, क्योंकि कुछ लिखवाने वाले ऐसा लिख देते हैं कि शेर व शायरी लिख देते हैं, किसी का नाम लिख देते हैं, कुछ जाति विवाद भी इसमें कई बार आया है, कोई अपनी जो कास्ट होती है उस कास्ट को लिख देता है, कास्ट के बारे में कुछ और भी लिख देता है। तो ये चल मान लिया ये गलत बात है, लेकिन जो नियम है वो सबके खिलाफ होने चाहिए, सबके साथ एक बराबर नियम होना चाहिए। ये नहीं कि हम जाते हैं तो हमारा चालान होगा, किसी सीएम की गाड़ी पे कुछ लिखा है तो उसका चालान नहीं होगा, बेशक वो सरकार हो, लेकिन नियम सबके लिए होना चाहिए। फिर तो ये चंडीगढ़ में नहीं नियम लागू है, हरियाणा में जो है फिलहाल अभी नहीं है। तो आने वाले अगर आप चंडीगढ़ जाते हो तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें कि अब इसी तरह का कोई अगर आपने शीशे पे लिखवा रखा है तो उसको जो है मिटा दे, उसको शीशे को साफ कर दे, वरना आपका चालान कर दिया जाएगा। देखिए, चालान इतने हैवी हैं आजकल कि एक बार चालान कट जाए तो वो भरने भी मुश्किल हो जाते हैं चालान, इतने महंगे महंगे चालान सरकार ने कर रखे हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपके साथ कोई ऐसी मुसीबत आए, ऐसी प्रॉब्लम में आप फंसे। तो यही कुछ आपको नॉलेज देने वाला था। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को, ताकि उनको भी ये पता चल सके कि हाँ भाई ऐसा जो है हमें नहीं करना है आगे से। तो चलिए, एक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।